तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ कि भाई अच्छे ही होंगे, क्योंकि भाई देखो, दिन तो मेरा भी अच्छा जा रहा है और मेरे को पता है तुम्हारा भी अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये मौसम जो है ना ठंड का, मुझे बड़ा प्यारा लगता है भाई। कितना मज़ा आता है भाई ब्लैंकेट में सोते रहते हुए, बहुत ही मज़ा आता है भाई हमको तो। तो चलो इसी के साथ ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए भाई, हम जॉर्जपुर सिटी आ गए इस बार, क्योंकि जॉर्जपुर में भाई गन के नाम पे घंटा देता है हमें घंटा। तो हम तो भाई आ गए सिटी, और हमें छोड़ के और भी 3 स्क्वाड आए होते हैं भाई सिटी में। भाई सोचो एक बार, मतलब सिटी में हमें छोड़ के, मतलब हमें लेके सिटी में 4 स्क्वाड, तो जॉर्जपुर में कितना गए होंगे भाई। जॉर्जपुर में तो 6-7 स्क्वाड लड़ रहे थे भाई, क्या ही बताओ, क्या ही सीन आजकल भाई। बहुत ही, मतलब आजकल ना हर बंदे को ना पुश करने का बहुत ही कीड़ा चल रहा है भाई। हर एक बंदा जॉर्जपुर आ रहा है यार, गन के नाम पे घंटा दे रहा है पबजी वाले, क्या ही कर रहा है चोमू लोग ये। और यहाँ पे ना मेरे टीममेट को एक बंदा भाई हत्या करने की कोशिश करता है। अरे मैं तो सही टाइम पे आके बचा लिया भाई को। अरे बेटे, ये तुम्हारे ताओ के घर है क्या, जो तुम कहीं भी घूमते फिरोगे अकेले अकेले स्कॉट को छोड़ के। कम से कम स्कॉट को तो लेके आता भाई। तो चलो इस भाई को तो खिला दिया हमने, लेकिन भाई मेरा ना यहाँ पे बहुत ही फट रही थी, सच बताओ तो बहुत ही फट रही थी। क्योंकि भाई बहुत ही बंदे थे भाई यहाँ पे, बहुत ही फाइट हो रहा था। सामने अपार्ट्स में इसकी बाकी स्क्वाड था, मतलब अभी जो बंदे को मारा मैंने, इसका बाकी स्क्वाड ये अपार्ट्स में थी भाई। तो हम तो घुस गए भाई, क्योंकि अभी बहुत स्क्वाड है भाई, सबसे लड़ना है, तो सही टाइम पे पुश कर दो। तो जैसे ही आप इन स्क्वाड को फिनिश करता है ना भाई साहब, और एक स्क्वाड हम पे आ जाता है। मैं तो भाई साहब क्या ही बताऊँ, ये देखो देख रहे हो सैमसंग का लैग भाई, इसको बोलते हैं सैमसंग का लैग भाई साहब, क्या ही लैग होता है इसमें। मत लेना भाई सैमसंग, कभी भी मत लेना, कभी भी कुछ भी करना हो तुम एक बारी को नोकिया 1100 ले लेना, सैमसंग कभी मत लेना। और यहाँ पे ये जो भाई को अभी मारा ना, मतलब ये जो बंदे को अभी मारा ना, ये क्या सोच रहा था पता है, ये सोच रहा था कि भाई इधर चल रही है फाइट, तो चलो हम भी चलते हैं जाके थर्ड पार्टी करेंगे और भाई किल चुराएंगे। तो इन भाई को ना, मतलब क्या बताओ, ये भाई इतना अंधा हो गया था किल के चक्कर में कि भाई साहब ओपन में रश कर दिया। तो हम तो ऊपर टीपीपी ले रहे थे, हम तो भाई को बीच सड़क में पकड़ के पेल दिया, लो बेटा जाओ अब लॉबी जाके किल किल खेलो। और यहाँ पे ना राइट वाले घर से मेरे टीममेट को एक बंदा नॉक कर देता है भाई। तो जैसे ही मेरे टीममेट को नॉक करता है ये स्कॉट, तो भाई मतलब फुल स्पीड पुश कर दिया ये देखो। अरे भाई साहब फुल स्पीड, इतना स्पीड तो राजधानी भी नहीं आता भाई, इतना जितना स्पीड तो उन्हें पुश कर दिया। तो देखो भाई आप लोग कैसे इन स्कॉट को मैंने खिलाया, आप एकदम भाई खतरनाक से ऊंची से चलाया भाई। तो इसी के साथ इन स्कॉट को भी भाई बड़े ही प्यार से खिला दिया गया। मतलब भाई उजी ना कतई जहर चलती है भाई, कतई जहर एक होता है ना, कतई जहर ओ टाइप से चलता है भाई, कतई जहर। आजकल ना मैं भाई M4 6X और उजी ये दोनों कॉम्बो बहुत चला रहा हूँ भाई, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को, क्योंकि भाई उजी मक्खन चलती है भाई, एक दिन चला के देखना मक्खन चलती है, मतलब क्लोज रेंज में फार चलता है भाई फार। तो उसके बाद भाई क्या था, थोड़ा सा लूट किया और जाने ही वाले थे। हम तो सोच रहे थे कि भाई चलो जॉर्जपुल सिटी तो क्लियर हो ही गया, और ऊपर से जोन भी आ रहे थे, तो चलो चलते हैं। और ये देखो भाई, मतलब मुंह के सामने से बॉट का किल चुराना भाई कितना दुख होता है ना, नहीं समझोगे भाई। जब कोई चुराएगा ना मुंह का सामने से बॉट का किल, तब समझोगे ये दुख। और इसी के साथ भाई हम तो जा रहे थे, तो
और जैसे मैं यहाँ पे आना, मेरे को भाई अचानक से फुस्टे आया कि सामने घर पे जो बंदे थे वो अभी तक वहीं पे है। मतलब और एक स्क्वाड है यहाँ पे, देखो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब देखो कैसे एक एक को पकड़ पकड़ के पेलते हैं सर। और इसी के साथ भाई जॉर्ज पुल में जो 3 स्क्वाड आया था, ये 3 स्क्वाड को भाई हमने बड़े ही प्यार से लॉबी भेज दिया। तो उसके बाद भाई हमने थोड़ा सा लूट किया यहाँ पे, जो चाहिए था हमें, मतलब परफेक्ट लूट नहीं था हम पे, हमें जो चाहिए था वो लूट किया थोड़ा सा। उसके बाद हम निकल गए भाई, और यहाँ पे हम जा ही रहे थे, ठीक है, मतलब लूट फूट करके पूरा निकल गए हम जॉर्जो सिटी से। और भाई काटका में तीन तीन प्लेयर चलाता है, वो भी हमारे मुंह के सामने भाई। अरे भाई साहब, आज तो तीन तीन प्लेयर लूट के जाएंगे अपन। और जैसे ही यहाँ पे आए हम, ये देखो ये भाई तो फुल स्पीड भाई प्लेयर चला के घर पे जा रहे हैं कि आज प्लेयर आएगा ये भाई लूट के पूरा एकदम मालदार पार्टी बनेगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसी के साथ हम भाई थोड़ा मॉली वॉली कर रहे थे, नेट वेट कर रहे थे, तो मेरे एक नंबर ने बोला कि भाई वो बैंडेज कर रहे हैं ऊपर, जल्दी से आओ उसको खिला के आते हैं। तो फिर क्या था, और एक नेट किया और हम घुस गए भाई, क्योंकि मेरे एक नंबर ने ऑलरेडी पुश कर दिया था वो, तो मेरे को तो कवर देने के लिए जाना ही था। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ भाई, लेकिन फिर भी टाइम पे, मतलब टाइम पे जाता हूँ, क्योंकि भाई देखो अगर दो एक साथ घुसते ना तो क्या पता दोनों ही नॉक हो जाते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट गया, तो पहले बोला कि भाई तू घुस, अगर तू नॉक हो गए तो मैं जाऊँगा। तो मैं तो आ गया मेरे टीममेट को कवर देने के लिए। और इसी के साथ भाई फ्लेयर वाले स्क्वाड को हमने बड़े ही आसानी से खिला दिया, और उसके बाद थोड़ा सा लूट किया और निकल गए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे यार कोई नहीं था, तो चलो निकलते यहाँ से लूट करके। और इसी के साथ भाई हम यहाँ पे जा ही रहे थे, और ये देखो भाई एक बंदा छुपा रस्तम होते हुए यहाँ पे छुपे रहता है और हमको पता ही नहीं होता। तो चलो भाई इन भाई को फटाक से खिला के निकलते हैं, क्योंकि अब बोरिंग हो गया है यार, अब एक कच्चा पसंद नहीं आ रहा है, कहीं और चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, मज़ा लेते हैं ज़िंदगी के। तो चलो इन भाई को जल्दी से ठिलाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ना हम कार लेके फुल स्पीड भाई और एक प्लेयर पे रश कर देते हैं, और ये लोग भाई ओपन में लूट रहे थे प्लेयर को, मतलब शर्म नाम का कोई चीज़ है भी क्या? नहीं, ओपन में लूटोगे क्या? मानता हूँ कि प्लेयर तुम्हारा है, लेकिन यह तो कोई मतलब नहीं हुआ कि प्लेयर हमारा है इसलिए हम ओपन में लूटेंगे। तो भाई साहब ये देखो बहुत ही प्यारा शॉट था भाई ये, लेकिन सीधी सी बात है भाई, मेरे से बोल्ट एक्शन पे फोरेक्स नहीं चलता यार, फोरेक्स होता ही नहीं मेरे से बोल्ट एक्शन पे भाई। वो जो मतलब अगर डॉट दे देता ना तो चलता भाई, ये क्या देख रखा है लाइन साहब, भाई ये बिल्कुल मेरे से नहीं चलती बोल्ट एक्शन पे, बेकार लगता है फोरेक्स। फिर भी उठा के लिया हूँ, क्या करें भाई, अब कोई स्कोप नहीं है, काम तो चलाना पड़ेगा ना। तो चलो भाई इसी के साथ इसका एक बंदे को तो मेरे टीममेट नॉक करके सीधा फिनिश ही कर देता है, और एक बंदा बोकेनॉल के पीछे टिपी भी लेता है। तो इन भाई को ठिला के फटक से इनका लूट लेते हैं भाई, मतलब प्लेयर के लूट लेते हुए दिल को बहुत सुकून मिलता है भाई, बहुत ही सुकून मिलता है। तो चलो लूट लेके फटक से निकलते हैं भाई यहाँ से। और उसके बाद भाई हम लूट करके यहाँ पे आ गए बीच के पास कंपाउंड में, और इस कंपाउंड में भाई दो बंदे थे, चरस गंजा फूकने वाला इंसान जिसको बोलते हैं भाई साहब, क्या ही चोमू बंदे थे रे। अरे कहाँ से पिक कर रहे मारने के लिए? अरे भाई साहब यहाँ पे तो
मेरे टीममेट ने को नॉक किया था, तो मैं तो उसको भाई पहली फुर्सत में फिनिश कर दिया, क्योंकि वो जिंदा बच जाएगा फिर से रिवाइव होगा, फिर से जिंदा बच जाएगा फिर से रिवाइव होगा, तो चलो खिलाते हैं फटक से। और यहाँ पे जैसे मेरे टीममेट आता है ना, टीममेट आके कार लेके आके इस घर पे ठोक देता है कार, तो उस बंदे को लगता है कि घर पे वो लोग घुस गए थे उसको मारने के लिए। तो ये बंदे तो हम मतलब हम इसके सामने थे, तो वहाँ से ध्यान हटा के भाई इधर देख रहा था कि दरवाजे से कोई ना आ जाए, इसलिए भाई ये तो मर गए। तो चलो अब तो मर गया, जो मर गया वो गया भाई, अब जो जिंदा है ना उसको मारते हैं। और यहाँ से हम जा रहे थे और सामने रीच पे भाई दो बंदे थे, मेरा टीममेट मेरे को कॉल आउट दे दिया था पहले, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और भाई बहुत ही शांति से कार रुका दिया, क्योंकि देखो भाई हमें हंगामा नहीं चाहिए, हम शांति से मारते हैं। तो चलो इनको खिलाते। और भाई साहब क्या मारा बे, तो भाई अरे भाई साहब तो, अरे नॉक हो गया, नॉक हो गया। चलो चलो तो भाई इसी के साथ ये स्कॉर तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, और मेरा एक टीममेट यहाँ पे नॉक भी हो जाता है, तो इन भाई को तो रिवाइव दे देता है। और मेरे पास हील भी कम था, तो मैं थोड़ा सा हील किया, और हील करने के बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर देख रहा था कि क्या पता किसी को देख जाए, AWM से हेडशॉट दे दे। उतने में देखा कि ओ भाई मेरा टीममेट तो मार रहा है किसी को, तो मैं भी मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो भाई मेरा घटिया स्नाइपिंग है पहली बार, मतलब अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद तो मैं फिनिश ही करती है कि जा बेटा लॉबी जा। और इसका दूसरा बंदा ये देखो भाई कहाँ से पिक कर रहा है, देखना देख रहा है ना तेरा टीममेट ओम से पिट गया, ओम है सामने वाले के पास, जब सामने वाले के पास ओम होता है ना तब पिक नहीं करता है बेटा, तब कवर लेता है कवर, समझ में आया क्या। तो चलो भाई, और एक ही बंदे है और सामने है वो बंदे, मतलब मेरा टीममेट बोल दिया था कि सामने है बंदे बीच के पास, तो हम आए यहाँ पे। उसके बाद देख रहे थे कि बंदे किधर है किधर है भाई, कहाँ हो सकता है ये बंदे। बहुत ही भाई दिमाग लगाया हम, बहुत दिमाग लगाने के बाद मेरे को बंदा दिखा, कहाँ पे मेरे को वो बंदा एग्जैक्ट सामने पे दिखा, एक नशेली सांप बनते हुए ये देखो, और इसको हेडशॉट देख के भाई चिकन डिनर अपना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।